हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। तुम्हारे कर्म के पीछे भगवान की प्रेरणा नहीं है। आज तक तुम जो कुछ भी करते आए हो उसके पीछे भगवान विष्णु की प्रेरणा थी, और तुमने अपने अज्ञान से बिना कारण उन्हीं से द्वेष पाल लिया। शक्ति परमेश्वर की योग माया है भार्गव, जो परमेश्वर के संकेत पर संसार का सृजन पालन और संहार करती है, और तुमने परमेश्वर की दी हुई शक्ति को अपनी शक्ति मान लिया और उस शक्ति पर अहंकार भी करने लगे। यही नहीं, तुमने अहंकार पूर्वक तप अर्जित करके उसे सृष्टि के विरुद्ध आचरण किया। क्या इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है भार्गव? तुम्हें प्राप्त कर हृदय खिला है, तुम्हें प्राप्त कर हृदय खिला है, अमृत का पर्याय मिला है। ओम है क्रीम क्रीम चामुंडा विजय स्वाहा, ओम है क्रीम क्रीम चामुंडा विजय स्वाहा, ओम है क्रीम क्रीम चामुंडा विजय स्वाहा। ठहरो भार्गव। ओम है क्रीम क्रीम चामुंडा। निकलते हुए दिन को फिर से रात्रि में ढकेलने का प्रयास ना करो। पहले गंगा मेरे कर्मों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रकट होती थी, आज भोलेनाथ भूतनाथ स्वयं आ गए मुझे रोकने के लिए। किंतु शिव शंकर, मैं असुर लोक को असुर शक्तियों से संपन्न कर रहा हूं, तो यह मेरा धर्म है, धर्म, और मुझे मेरे धर्म से कोई विमुख नहीं कर सकता। आप भी नहीं सर्वशक्तिमान? पुत्र, असुरों का उद्धार करने के हट में तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम स्वयं महातेजस्वी हो, भृगु की साक्षात प्रतिमूर्ति हो, और सृष्टि का विकास करने के लिए ब्रह्मा जी ने भृगु आदि ऋषियों को अपने मानसिक पुत्रों के रूप में उत्पन्न किया था। और महर्षि भृगु की पत्नी मेरी पूज्य मां का संहार किसने किया था? आपके उसी विष्णु ने। इसी कारण तुमने भक्ति को भय कर शक्ति का खड़ग उठा लिया। हाँ, यदि विष्णु अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है तो मैं भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता हूं। पुत्र, कदाचित तुम ये नहीं जानते कि शक्ति की आंख नहीं होती, और जिस शक्ति में विवेक नहीं होता, भक्ति नहीं होती, वो शक्ति जगत के विनाश का कारण बनती है भार्गव। भोलेनाथ, संसार भक्ति अनुरक्ति की नहीं, शक्ति की पूजा करता है, शक्ति की। जिस शक्ति से तुमने तपोबल अर्जित किया है वो शक्ति तुम्हारी नहीं, परमेश्वर की है। नहीं, कदापि नहीं, वो शक्ति मेरी है, मेरी। अपने हाथ में हवी लो और उसे वेदी में डालो भार्गव। क्यों, मैं बिना मंत्रों के हवी डालकर क्यों पाप का भागी बनूं भोलेनाथ? अच्छा, तो मंत्र सहित डाल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। हवी डालो भार्गव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विजय स्वाहा। नहीं डाल सकते ना? तुम्हारे कर्म के पीछे भगवान की प्रेरणा नहीं है। आज तक तुम जो कुछ भी करते आए हो उसके पीछे भगवान विष्णु की प्रेरणा थी, और तुमने अपने अज्ञान से बिना कारण उन्हीं से द्वेष पाल लिया। शक्ति परमेश्वर की योग माया है भार्गव, जो परमेश्वर के संकेत पर संसार का सृजन पालन और संहार करती है, और तुमने परमेश्वर की दी हुई शक्ति को
अपनी शक्ति मान लिया और उस शक्ति पर अहंकार भी करने लगे। यही नहीं, तुमने अहंकार पूर्वक तप अर्जित करके उसे सृष्टि के विरुद्ध आचरण किया। क्या इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है भार्गव? सत्य को मानो, जो हुआ वो तुमने नहीं किया, परमेश्वर के संकेत से हुआ। तुम स्वयं को परमेश्वर को समर्पित कर दो पुत्र। समर्पण ही सुकर्म है, समर्पण ही ज्ञान है, समर्पण ही भक्ति है। तुम्हारा कल्याण हो। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। देवेंद्र, कहिए वायुदेव। असुर लोक में दिव्य प्रकाश, ये कैसा चमत्कार है? चमत्कार कुछ नहीं है, ये तो सृष्टि विकास की सूचना है। भक्त प्रह्लाद और अंधकासुर के तप प्रभाव से असुर लोक में दिव्य शक्तियों का संचार होने लगा है। शीघ्र ही वहां गंगा अवतरण होगा। हे विधाता, आप सृष्टि के कर्णधार हैं। मैं अपनी हठ धर्मिता से आपके मार्ग में बाधाएं बनता रहा, किंतु आप उल्हाना देना भूलकर मेरी धृष्टता को सहते रहे। प्रभु, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। हे भोलेनाथ, आपके आशीर्वाद से मैं असुर परंपरा के अंधे सागर से निकलकर प्रकाश के दिव्य तट पर आ गया हूं। अब मुझे गंगा मैया को प्रसन्न करने का मार्ग बताइए भगवान। भार्गव, मां की ममता किसी औपचारिकता की याचना नहीं करती। तुम बाल सुलभ भावना से जाओ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मैं कृतार्थ हुआ भगवान, मैं आपके आशीर्वाद से कृतार्थ हुआ। आओ भार्गव, आओ। आज पहली बार मैं ममतामयी गंगा मैया के वास्तविक रूप के दर्शन कर रहा हूं। इसका श्रेय भगवान शिव को है मां, जिन्होंने मेरी आंखों पर बंधी अहंकार की पट्टी को खोल दिया। अन्यथा प्रतिशोध की ज्वाला ने मेरे मन की करुणा, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, सहानुभूति सब जला दिए थे। ऐसा मत सोचो भार्गव, तुम्हारे ज्ञान स्वरूप का तो कभी अभाव रहा ही नहीं। नहीं मां, वो सारा ज्ञान निरर्थक था, जिसने मेरी आत्मा की नहीं मेरे अहंकार की तुष्टि की। माता, मैंने अपने अनिष्टकारी कृत्यों से आपको बहुत सताया है, मुझे क्षमा करें। तुम्हारे द्वारा किए गए अनिष्टकारी कृत्य वास्तव में सृष्टि विकास में गुप्त रूप से योग दे रहे थे। भार्गव, तुम उस पर्वत के समान हो जिससे निर्झर तो फूटते हैं, परंतु वो पर्वत उनके मार्ग में आकर उन झरनों को बहुमुखी बना देता है, उन्हें भिन्न भिन्न धाराओं का रूप दे देता है। भार्गव, सृष्टि का जो बहुमुखी विकास हुआ है वो तुम्हारे ही कारण हुआ है।
धन्य हो मां, धन्य हो। आपकी करुणा ने, आपकी ममता ने इस दुष्ट हृदय के बालक में भी गुण ढूंढ लिए। हृदय में विपरीत भाव रखने से हृदय दुष्ट नहीं कहलाता भार्गव। तुम सदा कहते रहे कि गंगे, मैं तुम्हें असुर लोक में अवतरित करके ही रहूंगा, किंतु इसका ये अर्थ नहीं भार्गव कि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति भाव नहीं। हाँ, तुम्हारी साधना विपरीत थी। आज मुझे जो कारण असुर लोक पर अवतरित करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, वो तुम्हारी सापेक्ष भक्ति और तुम्हारी ही विपरीत साधना के फल हैं। माँ, मेरे लिए तुम्हारे मन में ऐसे वात्सल्य के भाव और मैं सदा तुमसे द्वेष करता रहा, मुझे अपनी ममता के आंचल में स्थान दे दो माँ। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो माँ। प्रायश्चित के पश्चात क्षमा की आवश्यकता नहीं रहती भार्गव। जाओ, अंधकासुर और प्रहलाद के साथ मिलकर जब तुम मेरा आवाहन करोगे तो मैं उसी क्षण असुर लोक पर अवतरित हो जाऊंगी। माँ गंगे, तुम तो पतित पावनी हो, तुमने देवताओं के अहंकार को विनष्ट करके उन्हें पाप मुक्त कर दिया है। तुम्हारे प्रताप से ही मेरी माता कयाधु ने असुरों में श्रद्धा और भक्ति के बीज बोए। हे मातेश्वरी, ये असुर लोक मेरे अग्रज अंधकासुर के तप से पूर्णतः पवित्र और आपके योग्य हो गया है। हम दोनों, दोनों नहीं, हम तीनों। गुरुदेव, आइए भ्राताश्री। हाँ, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। प्रहलाद, अंधक, तुम दोनों धन्य हो। असुर होते हुए भी अपने जप, तप और श्रद्धा भक्ति से तुम दोनों देवताओं से भी अधिक सात्विक और तेजमय हो गए हो। और मुझे देखो, महर्षि भृगु के इस पुत्र को देखो, जो स्वयं ऋषि वंश में उत्पन्न हुआ। महर्षियों की दया, कृपा और दीक्षा में पला बढ़ा, किंतु अज्ञान और अहंकार के कारण अपना अर्जित तपोबल व्यर्थ करता रहा। मैं देवताओं को दिए जाने वाले हविष्यान्न को भी कौओं में बांटता रहा। कौन मेरा पाप धोएगा, कौन? गंगा मैया गुरुदेव, गंगा मैया। वो तो महर्षि और चांडाल में कोई भेद दृष्टि नहीं रखती। ऐसी ममता मई, श्रद्धा की साक्षात रूपा गंगा मैया आपका अवश्य कल्याण करेंगी। तुम सत्य कह रहे हो प्रहलाद। गंगा मैया की शरण के अतिरिक्त मुझ जैसे पतित का और कहीं उद्धार नहीं होगा। आओ आओ, हम तीनों मिलकर गंगा मैया का आवाहन करते हैं। आओ।
तुमने कृपा धन्य हमको किया, करके तुमने कृपा धन्य हमको किया। राम राम गंगा गुण गाता, वंदन करुणामयी माता, अभिनंदन ममतामयी माता, पदवंदन करुणामयी माता, अभिनंदन ममतामयी माता, जय गंगा। अभिनंदन ममतामयी माता, जयति धर्मद्रवा जयति अमृतस्रवा, जयति धर्मद्रवा जयति अमृतस्रवा, भक्तवात्सला मुक्ति प्रदाता, अभिनंदन ममतामयी माता, पदवंदन करुणामयी माता। जान अनुग्रह कीना, आग्रह जान अनुग्रह कीना, पूर्ण किया वो वचन जो दीना, आग्रह जान अनुग्रह कीना माता, पूर्ण किया वो वचन जो दीना माता। आन प्रहलाद की राखली मातश्री, आन प्रहलाद की राखली मातश्री, जोड़ लिया पाताल से नाता, अभिनंदन ममतामयी माता, पदवंदन करुणामयी माता। या देवी सर्वभूतेषु नीडरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो कर हृदय खिला है, तुम्हें प्राप्त कर हृदय खिला है, अमृत का पर्याय मिला है, तुम्हें प्राप्त कर हृदय खिला है माता, अमृत का पर्याय मिला है माता। बालकों में कहीं भेद रखती नहीं, बालकों में कहीं भेद रखती नहीं, स्नेह तुम्हारा यही दर्शाता, अभिनंदन ममतामयी माता, पदवंदन करुणामयी माता। सेवा में शुक्राचार्य है सादर उपस्थित मातश्री, प्रहलाद का श्रद्धा नमन सविनय समर्पित मातश्री, रहती हो माता तुम जहाँ वह स्थान तीर्थ स्थान है, गंगा तुम्हारा सर्वदा सर्वत्र ही सम्मान है, तुमने कृपा धन्य हमको किया, करके तुमने कृपा धन्य हमको किया, राम राम गंगा गुण गाता, अभिनंदन ममतामयी माता।
जय गंगा, जय माता, जय गंगा, जय माता।